अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और हमारे चैनल पे कई सारी जो है सेल्फी स्टिक्स की अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ जो है हो चुके हैं, लेकिन ये जो सेल्फी स्टिक है उनमें से सबसे ज़्यादा यूनिक, सबसे ज़्यादा अलग है गाइज। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ सेल्फी स्टिक नहीं, ये गाइज वन एक्सिस गिम्बल भी है, यानी कि इससे आप अपने फ़ोटोज़ को या वीडियोज़ को स्टेबलाइज भी कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगा गाइस इस प्रोडक्ट के बारे में, इसके कुछ फीचर्स के बारे में और जानेंगे कि इसमें हमें क्या कुछ मिल जाता है, इसकी प्राइस कितनी है। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स को मिस कर जाएंगे। तो गाइज इस प्रोडक्ट का नाम है ब्लिट्ज़ुल्फ BW BS 12। तो ये सेल्फी स्टिक का 12वां वर्जन है, जो कि हर एक वर्जन कुछ कुछ अलग अलग है। तो मैंने ब्लिट्ज़ुल्फ के और भी सेल्फी स्टिक्स का रिव्यू किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस सेल्फी स्टिक की अगर बात कर ले तो इसका जो बॉक्स पैक है वो बिल्कुल ही सिंपल है, वाइट कलर का है। और इसके बॉक्स से अंदर निकालेंगे तो सबसे पहले सेल्फी स्टिक मिल जाएगा, उसके बाद गाइज आपको एक जो है रबर का मिल जाएगा, बैंड टाइप का लगेगा, उसका मैं क्या यूजेज है बताऊंगा। उसके बाद इसका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाएगा, एक यूएसबी केबल मिल जाएगा इसे चार्ज करने के लिए। तो बस यही कुछ कंटेंट्स हैं। जैसे ही आप इस सेल्फी स्टिक को बाहर निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से फोल्डेबल रहेगा गाइस, और साइड में नॉट दिया गया जिसे आप लूज करके सेल्फी स्टिक को ऐसे ओपन कर सकते हैं। इसे ओपन करेंगे तो ऊपर में आपको यहाँ पे हेड दिया गया जिसमें आप 6.5 इंच तक के जो है डिवाइसेस को आराम से लगा सकते हैं। मैंने पोको को भी लगाया जो कि 6.6 इंचेस का, वो भी आसानी से इसमें लग गया गाइस। उसके बाद नीचे के साइड में आपको ट्राईपॉड भी मिलता है, जो कि आप इसे ओपन करके इसे टेबल वगैरह पे या जमीन पे रख सकते हैं। और ये जो सेल्फी स्टिक है कुछ इतना लंबा हो जाता है, हालांकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बिकॉज ब्लिट्ज़ुल्फ के काफ़ी लंबे लंबे आते हैं सेल्फी स्टिक। ये नॉर्मली गाइस ग्रुप सेल्फीज वगैरह लेने के लिए काफ़ी अच्छा हद तक जो है यहाँ पे आपको लंबा दिया गया है। अगर यहाँ पे बात कर ले तो इसमें आपको एक बटन मिल जाता है जिससे आप बाहर की ओर निकाल सकते हैं, और इस बटन की मदद से आप जो फोटोज़ वगैरह कैप्चर कर सकते हैं ब्लूटूथ से पेयर करके। और उसके बाद गाइस इसका हेड मिल जाता है। अब ये गाइस अगर हेड देखेंगे तो हेड में आपको एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है इसे चार्ज करने के लिए, बिकॉज ये गिम्बल है तो चार्ज करना ज़रूरी है। राइट साइड में आपको गाइज एक बटन मिलता है जिससे आप इस गिम्बल को ऑन कर सकते हैं, और उसके बाद उसके बगल में एक एलईडी इंडिकेटर मिलता है इसके चार्ज बताने के लिए, या फिर ये ऑन है या ऑफ है ये जो है इंडिकेट करने के लिए। उसके पीछे में आपको एक सर्कल मिल जाता है। ये जो सर्कल दिया गया गाइज यह एक नॉब है, यानी कि अगर आप पीछे पीछे की ओर घुमा देते हैं, ऐसे टाइट कर देते हैं, तो ये नॉब जो है बिल्कुल एक कड़ा सेल्फी स्टिक बन जाएगा, यानी कि हिलेगा नहीं, जिससे आप जो एक नॉर्मल सेल्फी स्टिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आपको गिम्बल की तरह इस्तेमाल करना है तो इस नॉब को ओपन कर देना, और उसके बाद ये जो सेल्फी स्टिक है लूज हो जाएगा, और उसके बाद ये बिल्कुल आप गिम्बल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें मोटर दिया गया है। तो आपको क्या करना है सिंपली गाइस, तो यहां से आप जो है अपने हेड को एडजस्ट कर सकते हैं कि कैसे आपको रखना है, इतने डिग्री पे रखना है या फिर पूरा एकदम ओपन रखना है, ये कर सकते हैं, ये काफी अच्छे। उसके बाद इसको नॉब से जो है इसे टाइट कर देना है। इसे टाइट करने के बाद गाइस आपको इसमें अपना फोन लगा देना है, कुछ इतना ज्यादा वाइड हो जाता है। फोन लगाने के बाद आपको बस इसके बटन को टैप एंड होल्ड किए रहना है, और टैप एंड होल्ड किए रहेंगे तो जो सेल्फी स्टिक है गाइस वो ऑन हो जाएगा। वो ऑन होने के बाद आप देखेंगे कि ऑलरेडी स्टेबलाइज हो जाएगा, और उसके बाद आप किधर भी अपने सेल्फी स्टिक को लेफ्ट राइट घुमाएंगे तो आपका जो फोन है वो बिल्कुल भी नहीं घूमेगा गाइस, और वो लेफ्ट राइट एक ही जगह रहेगा। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ वन एक्सिस है, इसलिए ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट गाइस लेफ्ट राइट करने पे एटलीस्ट ये आपके शेक को जो है बचाएगा। तो जी हाँ, ये पूरी तरह से स्टेबलाइज नहीं कर सकता वीडियोज को, 3 एक्सिस नहीं है बट 1 एक्सिस है, तो एटलीस्ट गाइस शेक से ये आपको बचा सकता है। उसके बाद गाइस अगर आप चाहें तो इसमें आप लैंडस्केप या फिर आप चाहें तो पोर्ट्रेट मोड दोनों में ही वीडियोस या फोटोज ले सकते हैं, यानी कि अगर आप इस बटन को एक बार टैप करेंगे तो ये चला जाएगा गाइस पोर्ट्रेट मोड में, अगर आप दोबारा टैप करेंगे तो ये चला जाएगा लैंडस्केप मोड में। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक रोटेट भी हो जाता है गाइस, 1 क्लिक बटन है जो कि काफ़ी आसान है। अब आपको याद होगा कि इसके साथ एक मिला था गाइस रबर का पैड, आखिर वो रबर का पैड क्या है? तो कई बार क्या होता है कि हम अपने फ़ोन को लगाते हैं गाइस इस सेल्फी स्टिक के होल्डर में, तो क्या होता है ना कि जो पावर बटन है वो दब जाता है। तो अगर आपका फोन का पावर बटन बिल्कुल मिडिल में है जो कि लगाना है बैलेंस करने के लिए, तो पावर बटन दब जाएगा, तो उसमें आपको क्या करना, पैड लगा लेना। उस पैड में कटआउट दिया गया है गाइस जिससे आपका पावर बटन नहीं दबेगा, और उससे आपका फोन स्विच ऑफ नहीं होगा अगर आप इस्तेमाल वगैरह कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छा मिल जाता है। उसके बाद गाइस फोन लगाने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है और अगर आपको बटन दबाने में मुश्किल हो रही है, तो आप हाथ से भी इसे जो है ऐसे घुमा सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली जो है रोटेट हो जाएगा लैंडस्केप में या फिर गाइस वर्टिकल मोड में, जैसे आपको जो है रोटेट करना है, और उसके बाद आप इससे जो है वीडियोज़ या फोटोज़ ले सकते हैं। बटन की मदद से गाइस आप फोटोज़ या वीडियोज़ जो है कैप्चर कर सकते हैं। कितनी ज़्यादा ये स्टेबलाइज करती है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इसे लेकर के दिल्ली बाहर गया था गाइस, और उस दिन अनफॉर्चुनेटली गाइस उसी दिन आंधी और तूफान और बारिश जो आया था, मैंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था,
लेकिन गाइज मैंने काफ़ी सारे सेल्फीज लिए थे और मैं सच बताऊँ गाइज, मैंने सेल्फी जो है पूरा ही एकदम एक्सटेंड करके लिया गाइज, और ऐसे करके लिया। अब ऐसे सेल्फी लेने में क्या होता है ना कि हमारा हाथ जो है काँप जाता है, जिससे फोटोज़ जो है शेक हो जाती है और बिल्कुल अच्छा फोटो नहीं आता है, ब्लरी फोटो आता है। लेकिन इससे गाइज खींचने पर एक भी फोटो ऐसा नहीं हुआ जो ब्लरी आया गाइज। जी हाँ, मेरा हाथ ऐसे काँप रहा था फ़ोन के वजन के कारण ऐसे ऐसे, बट ऐसे ऐसे काँपने के बावजूद गाइज ये जो मेरा फ़ोन है वो बिल्कुल स्पेशल एक जगह पे था, जिससे मेरी जो सारी की सारी फोटोज गाइज बिल्कुल अच्छी तरह से डिटेल में आया, ये मुझे अच्छा लगा। तो फोटो लेने के लिए गाइज वन ऑफ दी बेस्ट सेल्फी है जो कि आप ये ले सकते हैं, बिकॉज गिम्बल बहुत अच्छे से स्टेबलाइज करता है। लेकिन अगर बात कर ले वीडियोज़ की गाइज, तो वीडियोज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त नहीं है। हाँ, पोको X2 में फ्रंट कैमरा में कोई EIS नहीं मिलता है, इसलिए जब मैंने इससे वीडियो लिया गाइज तो हल्का सा सिर्फ जो शेक है गाइज वो जो है सिर्फ शेक जो है बंद हुआ, लेकिन जो ऊपर नीचे होता है गाइज जो हिलता है वो हिल ही रहा था, इसलिए वीडियोज में ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में EIS है, जैसे कि पोको X2 का बैक कैमरा में EIS है, तो मैंने उससे लिया गाइज, तो मेरे EIS से भी ज़्यादा अच्छा स्टेबल गाइज, मतलब EIS के साथ मिल करके ये और भी ज़्यादा अच्छा जो है स्टेबल बना रहा था वीडियोज़ को। तो जी हाँ, EIS के साथ अगर आप इस वन एक्सिस को मिलाते हैं तो बहुत ही सिनेमैटिक आप वीडियोज़ बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके फ़ोन में EIS नहीं है तो फिर वीडियो में भी आपको शेक नज़र आ जाएगा, चाहे आप ये इस्तेमाल करें या ना करें। एक और चीज़ क्या है ना गाइस कि 2500 रुपए के अंदर और कोई गिम्बल अवेलेबल भी नहीं है जो 2 एक्सिस या 3 एक्सिस हो। ये गाइस 1 एक्सिस है 2500 के अंदर, और शायद मेरे नज़र में यही एक ऐसा है गिम्बल जो कि 1 एक्सिस एटलीस्ट आपको स्टेबलाइजेशन दे रहा है। तो एटलीस्ट गाइज आपको सेल्फी वीडियोज़ लेने के लिए, सेल्फी फोटोज़ लेने के लिए काफ़ी अच्छा ये गिम्बल हो जाएगा। और इसकी चार्ज की बात कर लेते हैं, 2 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है, लेकिन आपको मतलब 5 से 6 घंटे स्टेबलाइज कर सकता है आपके वीडियोज़ को, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसका बटन तो गाइज आराम से आप कितना भी फोटो वीडियो लिए ख़त्म नहीं होता है गाइज, मैं भूल जाता हूँ, महीनों लग जाता है गाइज इसके बटन को चार्ज करने में। तो ओवरऑल ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा गाइज, काफ़ी ज़बरदस्त सेल्फी स्टिक है जिसे आप बाई कर सकते हैं, एंड ये गाइज काफ़ी अच्छा जो है रिकमेंडेड प्रोडक्ट है जो कि आपको बाई करना चाहिए अगर आप 2500 के अंदर कोई अच्छा लेना चाहते हैं। वैसे प्राइस इसकी 3500 के आसपास है, पर मैं कूपन कोड दे दूंगा जो कि 2300 के आसपास मिल जाएगा। तो अगर आज का मेरा वीडियो पसंद है, अगर आपको ये सेल्फी स्टिक पसंद है, तो सब्सक्राइब कीजिए और सेक्शन कमेंट कीजिए। मैं ऐसे रोजाना आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद।